हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम। मेरा नाम है वजाहत। तो यार भाई, क्या भाई, मुझको हराया और उसके बाद वो बन चुके हैं भगवान शिव जी की सवारी और अपने रूप में भी आ चुके हैं। अब आगे देखते आगे होता है क्या। तो स्टार्ट। कौन सा मिष्ठान सबसे प्रिय है? खीर। क्या वो भी तुम्हारे नानी के हाथों से बनी खीर? खीर? खीर कैसी होती है? अबे बड़े मजे की होती है यार खीर। तो माता जी जो दूध चावल और गुड़ को पकाने से खीर बनती है। अच्छा, आज भी हम खीर खाते हैं। देखने में कैसी होती है? अरे गुड़ डाले, चीनी डाले, एक ही श्वेत अर्थात शुभता का प्रतीक। आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं खेलने के लिए। खेलने के लिए यार, ये सही इनको मिले भगवान के नीचे। अबे आना। माँ, मैं कैलाश से कहीं बाहर जाना चाह रहा हूँ। हैं? ओ माता पार्वती जी, क्योंकि उन्होंने कहा था ना छोड़ के नहीं जाऊंगा। क्या मैं जाऊं? माता पार्वती जी तभी सैड हो गई। नहीं पुत्र, तुम कैलाश से बाहर नहीं जा सकते। किंतु क्यों माँ? क्योंकि भगवान शिव जी भी देख रहे हैं। क्योंकि तुमने हमें वचन दिया है। अरे वो तो ना छोड़ने कि तुम हमसे दूर कभी नहीं जाओगे। मैं वो वचन तो सदैव निभाऊंगा। मैं तो कुछ ही देर के लिए अनुमति मांग रहा हूँ। तो यदि आप अनुमति नहीं देंगी तो मैं नहीं जाऊंगा। पार्वती, यदि गणेश जाना चाहता है तो उसे जाने दो। भगवान शिव जी को पता है, लेकिन भगवान गणेश जी कहाँ जाना चाहते हैं? बाहर किस लिए? घूमने फिरने यार, या मित्रों के साथ खेलने? एक नई जगह। हाँ ठीक है पुत्र, तुम अपने मित्रों के साथ जा सकते हो। हाय हाय हाय, अरे मुझे यहाँ कहाँ तो जाओ खेलो, किंतु समय से वापस लौटाना। मुझे पक्का पता था माता पार्वती भी यही बोलेंगी, क्योंकि हर माँ ये बोलती है। आज भी मैं शीघ्र ही लौटाऊंगा। जल्दी आना, ये ध्यान रखना। अरे क्या देरी है? ये क्या है? ये कैसी है? खेलो पुत्र, तुम्हें शीघ्र ही भूख लगती है। रास्ते में पता नहीं कुछ भोजन मिले ना मिले। अच्छा, तो मान दे ना, किस तरह फिक्र होती है। अच्छा मोतक ही है। अच्छा ये बांध के दिए ना, जाहिर बात है। चलो मित्रों, और इनके साथ मित्र भी तो आए खाने के लिए। दूर जाने का डर होता है ना, भय होता है। संसार का कल्याण करने आया है। कौन? उसे रोकना उचित नहीं होता पार्वती, इसलिए मैंने तुमसे उसे जाने की अनुमति देने के लिए कहा। ओ अच्छा अच्छा, हम जानते हैं स्वामी, हमारा पुत्र जहाँ भी जाएगा वहाँ का उद्धार निश्चित है ना? भगवान
भगवान शिव जी क्या एकदम कहीं भगवान गणेश जी के साथ इस संसार की शुभता ही तो गणेश का जन्म तो हो चुका। हाँ हाँ किंतु जिस मोह जिस द्वेष से ये समस्त संसार ग्रस्त है उसे समाप्त करने हेतु मुझे जाना होगा। कहाँ पे कहाँ क्या हुआ दोबारा यार? मेरी भक्तिन खुशबू को मेरी आवश्यकता है। उनके भक्तों को खुशबू? ये कौन है स्वामी? ये कृष्ण कौन है? पहली दफा नाम सुना है। पार्वती दक्षिण में एक सुदन नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदय के साथ वास करता। अच्छा अच्छा ये भी दक्षिण की तरफ है। ये दोनों मेरे परम भक्त थे। अच्छा थे। उन्हें अपने जीवन में प्रत्येक सुख की प्राप्ति हो चुकी किंतु वो एक ही सुख से वंचित थे। कौन किस? वो था संतान का सुख। संतान तो सबसे बड़ा दुख होता है। सुदय को ग्लानि थी। दुख था कि वो अपने पति सुधर्म को एक संतान का सुख देने में असमर्थ है। होता है ना। सुदय ने सुधर्म से विनती कि वे उसकी छोटी बहन खुशम से विवाह कर ताकि उन्हें एक संतान की प्राप्ति हो सके। भूष्म मेरी भक्तिन थी। अत्यंत नर्म स्वभाव की थी। अच्छा, वो भी इनकी भक्त थी। मेरी आराधना किए बिना वो जल को भी प्राप्त नहीं करती थी। अच्छा, इतनी बड़ी भक्त। वाह। उसके नर्म स्वभाव के कारण वो अपने पति सुधर्म की अत्यंत प्रिय हो चुकी। अच्छा, जब सुदय को इस बात का आभास हो तो उसकी अपनी बहन के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न और धीरे धीरे ये ईर्ष्या इतनी बढ़ी कि उसके जीवन में मेरी भक्ति का भी कोई स्थान नहीं रहा। शीघ्र ही कुष्म को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति थी जिसका नाम रखा गया सुकर्ण। क्या? सुकर्म के आने के पश्चात उनका परिवार एक संपूर्ण परिवार हो चुका। अच्छा, ये थोड़ी वो जेलसी होता है यार, वो हस्बैंड भी टाइम आते ही नहीं दे पा रहा ना। सुदय की ईर्ष्या चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। लेकिन भाई वो जन्म भी तो होती है यार, वो बहुत अच्छी। सुकर्म के साथ खुशबू और सुधर्म की प्रसन्नता में संपूर्णता सुधर्म सुदय से अब सहन नहीं हो रही थी। सुकर्म के बड़े होने के पश्चात सुधर्म ने उसका विवाह कर दिया। सुधर्म जी ने उनका फिर शादी कर दी। जिस सुखी जीवन की कल्पना सुदय ने की थी उसकी प्राप्ति उसकी बहन और उसके पति को हो चुकी थी। उन्हें न केवल एक संतान की प्राप्ति हुई थी अभी तो सास और ससुर बनने का सुख भी प्राप्त हुआ था। वो इसी चीज को ले लेते हैं कि जेल से ये तो वो माँ बन गई फिर सास। सुकर्म की उपस्थिति अब सुदय से सहन नहीं हो रही थी। उसने सोचा यदि वो सुकर्म का ही अंत कर दे तो सुधर्म और खुशम के सुख का भी अंत हो जाएगा। यानी कि ये देखो ना, ईर्ष्या जो होती है ना, जलन ये बंदे को लेट डूबता है। ओ छोराई इतना बड़ा। सुदय ने उसकी हत्या कर दी। ओ और उसके देह को उसी कुंड में प्रवाहित कर दिया जिसमें खोश मुस्लिम लिंग का विसर्जन किया करती थी। तो जिसमें भी ये करती थी वो मेरी भक्तिन खुशम अत्यंत पीड़ा में है पार्वती।
अपने पुत्र की मृत्यु के पश्चात मतलब तकलीफ में तो उसने एक क्षण के लिए भी मेरी आराधना करना नहीं छोड़ा। उन्होंने छोड़ दी, इन्होंने नहीं छोड़ी। फिर भी इस समय जब उसके पुत्र का दाह संस्कार होने वाला, वो अभी भी मेरी पूजा कर रही। यानी तो उसका संस्कार जो भी हो रहा है फिर भी उसी भक्ति, उसी श्रद्धा, उसी संपूर्णता के साथ। मतलब बेटा मर गया लेकिन उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी भाई। और उधर से दूसरी वो जो जेलस हो रही थी भाई, उन्होंने भक्ति भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, जेलस हो गई। हाँ, और जिधर वो आराधना वगैरह वो करती थी, वो जो भी करती थी वो उसी नदी में जाकर उसका यार एक बात बता के फेंक दिया। उनकी वो जो दूसरी पत्नी थी, उनकी बहन थी, उनके नरम जो बिहेवियर होता था, नरम उनकी हर यार देखो जब होता तो कराती नहीं ना। हाँ। जब होता तो कराती नहीं, जब कराइए तो फिर आप उस सब चीज को भाई वो अपनी आतों की वजह से देखो ना पति के करीब हुई है, अपने नरम मजाज और हर वक्त भगवान शादी बिल्कुल ये शादी जिसे भी होती है उसके करीब ही होता है, कौन सा कोई अलग होता है। शुरू में नहीं पता होता ना कि बाद में ऐसा होगा, उसके अंदर जेलसी आई वही ना। वो तो फिर उनका खुद का मिस्टेक थी कि भाई उन्होंने जेलसी लाई, और उसकी बीवी इतनी अच्छी होगी कि शोर के और ज्यादा करीब चली जाएगी, ये चीज तो उसको नहीं पता। वो तो यही समझेंगे, वो तो यही समझी होगी कि मुझसे भी इतना प्यार करेगा उतना प्यार मेरी बहन से, लेकिन वो उनसे ज्यादा प्यार करने लगा। फिर अपना जहरी बात अपना टाइम, लेकिन फिर वही बात है कि जब नई नई जिसकी शादी जिससे होती है तो उसका अट्रैक्टनेस उसकी तरफ बढ़ती है। और फिर दूसरा वो बेटे की माँ बन गई, दूसरा वो सास भी बन गई, और आगे वो जेलस उनसे देखी नहीं गई, आगे वो दादी माँ भी बनती है, तो ये सारी उनसे जेलस देखी गई। और ऊपर से भाई भगवान गणेश जी भी चले गए हैं भाई कैलाश, माता जी ने उनको भेज तो दिया दिल पे पलटा, साथ में मोदक भी दे दिया। हाँ, मोदक भी दे दी कि भाई चलो अब रास्ते में तुम्हें कुछ मिलेगा ना, लेकिन अब आगे देखते होता है क्या तो